सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का स्पेशल वॉर रिपोर्ट। वॉर आप जानते हैं कहां चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में। कम वक्त में आपको सारी जानकारी रोज मैं आपको देता हूं विद प्रूफ। अब आपको बता दूं कि रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का, जिसे अगर हम कहें परमाणु मिसाइल तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है और अब उसने करना शुरू कर दिया है आज से, उसका नाम है ज़िरकॉन मिसाइल। अब आपको बता दूं कि बिना परमाणु हथियार के इस्तेमाल कर रहा है, यानी इसके वॉरहेड पर, यानी उसके ऊपरी हिस्से में परमाणु बम नहीं लगा रहा है, लेकिन वो डाल सकता है इसी मिसाइल में परमाणु बम। हालांकि ज़िरकॉन मिसाइल रूस की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है और सबसे एडवांस मिसाइल है। आपको बता दूं, हाल में ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और इसकी भी रिपोर्ट हमने आपके सामने इसी साल पिछले शेयर कर दी थी। अब आपको बता दूं, इसी रॉकेट का, इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और इस मिसाइल की ताकत आप इस बात से समझ लीजिए कि अमेरिका का हो या इसराइल का, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी कोई रडार इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये आवाज़ के सात गुना तेज निकलने वाली मिसाइल है। यानी आपकी पलक झपकने से पहले ही आपके सामने से निकल जाएगी। और आपको बता दूं कि इसकी स्पीड जो है 7000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, अब इस बात से समझ लीजिए कि कितनी तेजी से फर्राटे मारते हुए यह भागती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रडार में यह आती नहीं है पकड़ में, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जब ये कहीं जाके गिरती है तब जाके दुश्मन देश को पता चलता है कि हाँ, हमारे इलाके में ज़िरकॉन मिसाइल गिरी है। इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी और देता चलूं कि इस मिसाइल में इतनी ताकत होती है कि पाँच मिनट में पूरा लंदन तबाह कर सकती है, ऐसी खतरनाक मिसाइल है। हाँ, इसकी पावर घटाना और बढ़ाना रूस के हाथ में है। जी हाँ, अब ये रूस के हाथ में है कि वो एक बार में पूरा यूक्रेन ख़त्म कर दे या टुकड़ों में यूक्रेन ख़त्म करे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ज़िरकॉन मिसाइल अब कहर बरसाएगी यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन भी बहुत ही चालाकी और ख़तरनाक प्लान का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और सारी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है और अकेला रूस मैदान जंग में इसका सामना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब यूक्रेन के साथ सारी दुनिया के हथियार हैं तो रूस भी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, हालांकि अपने उसने पूरी ताकत नहीं लगाई है। लिहाजा आपको दिखाऊंगा अब अगली फुटेज में रूस की सबसे खतरनाक ज़िरकॉन मिसाइल का लॉन्च, किस तरह से ये दागी जा रही है। दोस्तों, यह आपने देखा ज़िरकॉन मिसाइल का हमला। इसके साथ आपको बता दूं, रूस ने कई सारी चीज़ें इस जंग के दौरान ही बना ली है और उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अब रूस ने अपने सैनिकों के लिए, व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों के लिए आयरन मैन सूट बना दिया है, स्पेशल सूट जो कि उनके सैनिकों की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा और सुपर पावर उनको देगा। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये है वो ख़तरनाक सूट, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का, बहुत ही मतलब रोबोकॉप पावर मिल जाएगी रूस की सेना को। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा सूट बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा जो है जंग में जो चीज़ है, मतलब इसके अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना बहुत गर्मी लगती है ना बहुत सर्दी लगती है, नेटवर्क भी इसके अंदर होता है, कई सारी चीज़ें हैं। इंसान का जो जिस्म होता है, जो सैनिक का जो वेट होता है, वो काफ़ी हल्का हो जाता है और काफ़ी भारी वेट पड़े आराम से उठा कर चल सकता है। ये जो सूट है ये निशाना लगाने में भी सटीकता बनाता है, मतलब निशाना इसके ज़रिए सही लगता है, तेज़ी आती है, बहुत गहरी चोट, छोटी मोटी खरोच, इन सब चीज़ों से बचता है सैनिक और मशीन गन के द्वारा बहुत दूर तक
सही निशाने पर हमला कर सकता है, लगा सकता है रूस का सैनिक इसको पहनकर। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब क्योंकि देखिए हम निष्पक्ष हैं तो आपको बड़ी जानकारी दे दें कि इस सूट में एक कमी है। वो कमी यह है कि अगर इस सूट को पहने हुए लड़ते हुए इस सूट की बैटरी भी है, अगर वो बैटरी खत्म हो जाती है तो सैनिक अंदर ही बंद हो जाएगा, उसकी जो सूट की सारी सिस्टम है वो काम करना बंद कर देंगे। बस इस बात से समझ लीजिए कि आयरन मैन अगर आपने देखी है फिल्म, तो आयरन मैन में जब आयरन मैन के सूट की बैटरी डाउन होती है तो आयरन मैन की पावर ख़त्म हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है, और उल्टा उस पर उसका सूट भारी पड़ जाता है और मौत के मुंह में आयरन मैन भी चला जाता है। तो कुछ इसी तरह की मुसीबत इसके साथ भी है। उम्मीद करते हैं कि रूस ने ये जो सूट है पूरा चाइना से न बनवाया हो, भले ही खुद बनाया हो तो कम से कम बैटरी चाइना की न लगाई हो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, रूस किस तरह से फाइट कर रहा है अपनी मुश्किलों से, ये सीखने वाली बात है। यूक्रेन से भी सबक लेना चाहिए और रूस से भी सबक लेना चाहिए। रूस में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सारे काम को बंद कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी फ्रेंचाइजीज और कंपनीज को बंद कर दिया है, शटडाउन कर दिया है। तो रूस उनको टक्कर देने के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आपको बता दूं मैकडोनल्ड को सारी दुनिया जानती है, खासकर ये भारत वाले जानते होंगे, हाँ, मतलब 500 रुपये में डेट मारने वाले यहाँ आगे फ्रेंच फ्राइज और 25 रुपये का बर्गर वाला, समझ रहा है, सब जानते हो तुम, बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ नहीं रुक जाओ, वो जेनवन बात करते हैं हम, बोल तुम ये देखो जो देख रहा है ना चाचा, तुम्हारा लड़का बहुत तेज है भाई, ये इसने मैकडोनल्ड में बहुत डेटें मारी हैं। खैर अब ये मैकडोनल्ड बंद कर दिया गया, अब मैकडोनल्ड के टक्कर पे रूस ने ये देखिए उसके लोगों को उल्टा कर दिया और सीधा डंडा खड़ा कर दिया, मतलब एक बी टाइप का शेप बना दिया जिसका नाम रखा अंकल वान्या। उस लोगों के नीचे अंकल वान्या है, सारा प्रोडक्ट हर चीज टेस्ट से लेकर सारा प्रोसेस बिल्कुल मैकडोनल्ड का है, मैकडोनल्ड की टक्कर का है, और काफ़ी तेज़ी से ये अब चालू हो गया है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर बिजनेस तरक्की कर रहा है। मतलब आत्मनिर्भर खुद बनने की अब यह कोशिश रूस की कामयाब हो रही है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने यह आइडिया जरूर दिया होगा रूस को। क्यों मोदी जी? माफ कीजिएगा, मोदी जी संपर्क नहीं हो पा रहा इस वक्त, मोदी जी अपने ही जोन में हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, नेटो के देश से और G7 के लीडर से मिलने के लिए पोलैंड पहुंचने वाले हैं इस 25 तारीख को बाइडेन। जी हाँ, पोलैंड कौन सी जगह है जिसके बॉर्डर पर धनाधन अब रूस ने बमबारी शुरू कर दी है, और पोलैंड में अमेरिका ने अपने हथियार और सैनिकों को भी तैनात किया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का वहां जाना और G7 के लीडर और नेटो के लीडर से मुलाकात करना कुछ बड़ा रूस के खिलाफ प्लान करने जैसा है और इससे रूस भड़क सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइल से बड़ी तबाही कीव में मचाई है। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मॉल माना जाने वाला अब बर्बाद हो चुका है, रूस की मिसाइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तबाही का मंजर और किस तरह से मिसाइल उस पर आके गिरी और उसके बाद उस पूरे इलाके का हाल क्या हुआ, वो सबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए।
दोस्तों इसी के साथ आखिर में एक बड़ी जानकारी, जिसके बाद मैं दोबारा से नए अपडेट के साथ हाजिर हूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में सुन लीजिए बड़ी खबर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक बार फिर से इसराइल का गरीबान पकड़ के झकझोर के कहा है भैया मदद करो हमारी। जी हाँ, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसराइल ने जो न्यूट्रलिटी बनाई हुई है, जो बिल्कुल न्यूट्रल हुआ है, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, इसराइल को इसका विरोध करते हुए हमारी मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने मदद मांगते हुए कहा है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी बेहतरीन है, आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम भी दें। जिसके बाद इसराइल की तरफ से बयान ये आया है कि जो भाई हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ी जानकारी यहाँ पर आखिर में दे दूँ कि बेनेट ने, इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मीडिएशन तुर्की कर रहा है, तुर्की के अंदर दोनों देशों के बीच में, वो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, लेकिन काफ़ी गैप है बीच में, काफ़ी ज़्यादा गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।